सुल्तानपुर डकैती मामले में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है। इस बीच यूपी पुलिस ने सराफा दुकान में डकैती का लाइव सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है। फुटेज में मंगेश यादव अपने साथियों के साथ दुकान में घुसते हुए नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाया था तो तुरंत ही यूपी पुलिस ने फुटेज जारी कर दिया। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले अनुज प्रताप सिंह दुकान में दाखिल हुआ और उसने सफ़ेद गमछा और सफ़ेद शर्ट पहनी थी। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव हेलमेट पहनकर दुकान में तीसरे नंबर पर दाखिल हुआ था। उसने पिस्तौल के बल पर धमकाते हुए कहा था कि अगर कोई हिला तो गोली मार दी जाएगी। वहीं ब्लैक हेलमेट पहने फुकरान और अंकित यादव ने दुकान के सामान को बैग में भरा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वारदात से जुड़े सभी संदिग्धों की तस्वीरें जारी कर दी हैं ताकि लोगों की मदद से अन्य फरार आरोपियों को पकड़ा जा सके। न्यूज़ डेस्क।